वेलकम टू बटन्स आज हम वेलकम टू किड्स टेस्ट ऑन बटन्स। आज हम क्या टेस्ट करने वाले हैं? आज हम अजीब ट्रेंडिंग डिशेस ट्राई करेंगे। ये थम्स अप वाली फुचकी है, पकोड़े के अंदर ओरियो है, जो भी होगा। पर सबसे वियर्ड फूड्स, इंटरनेट के मोस्ट वायरल और वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस। ओरियो का पकोड़े खा रहे हैं, बच्चों के फेवरेट है। ऐसा आविष्कार कभी नहीं देखा होगा, जो कि रूह अफ़ज़ा मैगी। सो ही वाज डिपिंग इट इनटू हर ओरियो मैकफ्लरी। आज इंटरनेट पे जो वियर्ड डिशेस है हम वो ट्राई करेंगे। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत नर्वस भी हूँ। देखते हैं कैसे होते हैं वो। ओके, सो रेडी फॉर द फर्स्ट डिश? ओके, ओपन योर आईज। अरे यार, ओ नो, पानी पूरी में थम्स अप? नो, गोलगप्पे के साथ थम्स अप शी, मतलब पानी भी ऊपर से आलू। लोग इंटरनेट पे ये खाते हैं, प्लीज नो। हमको तो बहुत बढ़िया लगा, बट पानी की जगह थम्स अप। आज से मेरा पानी पूरी से मन उड़ने वाला है। आपने कभी पानी पूरी खाया सिया ना? हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा। तो अभी ये ट्राई करते हैं। अभी सबसे पहले हम गोलगप्पे को थोड़ा सा बीच में से तोड़ेंगे, फिर बिल्कुल थोड़े से आलू डालेंगे और अब हमारा मेन इंग्रेडिएंट। No. पूरी में हमने आलू डाला है, नाउ इट्स स्पॉइलिंग द पानी पूरी आल्सो, इट्स स्पॉइलिंग द थम्स अप आल्सो। इसमें से आवाज आ रहा है फिज का। This actually tastes much better than पानी पूरी। तो अभी जो पानी पूरी वेंडर्स होते हैं ना, उन लोग को ये रगड़ा और ये थम्स अप भी डालना चाहिए। पहला जो 2-3 सेकंड होता है उसमें सिर्फ गंदा फील होता है, फिर लास्ट में तो पानी पूरी वाला फील है। बिल्कुल अच्छा नहीं। I don't like it. देखने में बहुत अजीब था, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी अजीब नहीं है। दिस टेस्ट वंडरफुल। थम्स अप, पानी पूरी। फाइन, सो थम्स अप पानी पूरी, शैल वी रेट? वेरी ओके। अच्छा था, टेस्ट तो अच्छा था, नाइस। वेरी नाइस, 10 out of 10। फूड टेस्टिंग आपको यहाँ रोकनी है या और बाजार जाना है नेक्स्ट लेवल? कुछ अच्छा भी हो सकता है तो मैं तो जाऊंगी आगे, डर के आगे जीत है। थोड़ा सा लेवल अप, लेट्स गो। ये इतनी बिजार डिश थी, इसके बाद क्या होगा गॉड नोज। प्लीज नेक्स्ट डिश प्लीज। तो नेक्स्ट डिश, 3, 2, 1। ये क्या है? ये क्या है? पकोड़े के अंदर ओरियो है। भाई ने बताया कि 15-20 साल से लोग यहाँ पे ओरियो का पकोड़े खा रहे हैं और बच्चों के फेवरेट है। ये क्या है ब्लैक? कोई ये क्या है? चॉकलेट? डिस्गस्टिंग। ओरियो? शी, इन ओरियो का पकोड़ा आउट ऑफ माय इमेजिनेशन भाई। बॉइलिंग द ओरियो मैन, सीरियसली? टोमेटो केचप बस की ऐसे ठीक था बिना केचप के। तो अभी सिया ने नहीं खा सकती क्योंकि उसको बेसन से एलर्जी है।
नहीं नहीं, केचप से बिल्कुल भी नहीं। Cheers. थ्री टू वन। सॉस का तो अच्छा है, बेस्ट है। कौन खाता है ओरियो पकोड़े विद केचप? Apparently टॉप 10 डिश में है ये इंटरनेट पे। लोग बहुत पसंद है। है अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, बट क्यों खाने को बिगाड़ो? पकोड़ा अलग होता है, ओरियो अलग होता है, दोनों का अपना अपना एक अलग स्वाद होता है। ये कहाँ ओरियो पकोड़ा ला के वर्स्ट डिश बना दी। ओरियो पकोड़ा मीडियम, नॉट गुड नॉट बैड, वेरी बैड। ओरियो पकोड़ा पता नहीं जितना भी नीचे जा सकता है उतना नीचे। इसको मैं रेट करूँगा 9 out of 10। सो गाइस, अब वियर्ड डिशेस का लेवल अप होने वाला है। सो अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और बटन चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट डिश। ये मैगी है। मैगी और रूह अफ़ज़ा, ये थोड़ा ज्यादा ही लेवल अप हो गया है अभी। नहीं नहीं, आई एम नॉट स्पॉइलिंग नूडल्स। सच बोलूं, शक्ल वाइज ये बहुत अच्छी लग रही है। अरे मैगी और रूह अफ़ज़ा को कौन मिक्स करता है? रूह अफ़ज़ा मैगी। जो मैगी थोड़ी स्पाइसी होती थी, नमकीन होती थी, वो आज मीठी हो चुकी है। अरे नहीं, तो अभी टेस्ट करें, लेट्स सी कैसा टेस्ट करता है। मिठाई 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 मिठाई, मैगी मैगी, व्हाटएवर। ये तो गाइस सबसे गंदा टेस्ट है। खा सकते हैं, इतना बुरा नहीं है जितना वो फर्स्ट था। ये खाने के बाद मुझे मेरा मुंह क्या टिश्यू पेपर से साफ करना पड़ेगा। अच्छा है। इट्स टू स्वीट। रूह अफ़ज़ा मैगी वर्स्ट कॉम्बिनेशन। डिसगस्टिंग। ऐसी डिशेस अगर ट्रेंड हो सकती हैं तो फिर तो हम समझ लेंगे कि कुछ भी ट्रेंड हो रहा है। बिकॉज मी एंड माई मदर एंड आई लव टू ईट मैगी, नो वेजिटेबल्स, नो नथिंग। एंड इफ यू एड रूह अफ़ज़ा, वन ऑफ माई लाइक माई मॉम्स वन ऑफ माई फेवरेट ड्रिंक्स, इफ यू कंबाइन दोज टू, आई डोंट नो इफ शी विल इन टच इट, बिकॉज इट्स पिंक एंड इट टेस्ट वेरी वियर्ड। ठीक, 10 on 10, 0 on 10। इस डिश को मैं दूंगा 1 out of 10। सो अब हम अपने बिजार लेवल को थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे और देखते हैं हम आसमान की ऊंचाइयों को छू पाते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट डिश से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, What in the world is this? It chocolate syrup. अच्छा ही तो है, इसमें क्या गंदा है? ये सोया सॉस है चिंग्स का, ये तो बर्थडे पे मिलने वाली चीज है, वेफर्स, और ये है वैनिला आइसक्रीम। सोया सॉस को आइसक्रीम में मिक्स करो। नहीं नहीं नहीं, it looks bizarre. Yeah, it looks bizarre, correct. कि उर्फी जावेद मैम उनका फेवरेट डेजर्ट है। गाइस, द रेसिपी फॉर दिस डेजर्ट व्हिच आई ईट इज वेरी सिंपल। उर्फी जावेद का फेवरेट है ये डिश। वाह, इन द वर्ल्ड। अभी हम लोग कैसे खाएंगे? थोड़ा सा सोया सॉस लेना है और आइसक्रीम पे डालना है, थोड़ा मिक्स करके पोटैटो चिप्स के साथ खाना है। गाइस, पता नहीं इसके बाद मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं। थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। चीयर्स चीयर्स, फिर चीयर्स। 3 2 1
नो 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 It was looking bizarre, but now it tastes very good. Yeah. Chips के साथ खाना है, ऐसे नहीं खाना है। सब ऐसे ही हो रहा है। Starting में गंदा taste आया, फिर last में अच्छा है। Not bad. It's not bad. No. Guilty. Hey. Ice cream soya sauce with chips. Good. Mango. ये अभी तक की सबसे वर्स्ट रेसिपी थी सो मैं इसे रिजेक्ट करती हूँ लो 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 ठीक अच्छा है सो बिजार लेवल को और ऊपर लेके जाएं या रोक दें मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट डिश बहुत अच्छा है ये तो ओके ये हाँ ये खाया है बेस्ट 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 मतलब बेस्ट ओह मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज विद मैकडॉनल्ड्स की मैकफ्लरी ओरियो वाली और फ्रेंच फ्राइज आई ऑलवेज रेट फ्रेंच फ्राइज एवरीबॉडी माइंड ये बिजार है उसका पता नहीं क्योंकि मैंने खाया तो है और मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो माइट हैव ईटन दिस और अभी कैसा टेस्ट होता है पता नहीं ये मैकफ्लरी है मैकडॉनल्ड्स की आप देख सकते हो और ये है मैकडॉनल्ड्स के सॉल्टेड फ्रेंच फ्राइज बट डिश ये नहीं है फ्रेंच फ्राइज नहीं खाना है फ्रेंच फ्राइज को मैकफ्लरी में डिप करके खाना है ये क्या ट्रेंडिंग रेसिपी है ओके सो ही वाज डिपिंग इट इनटू हर ओरियो मैकफ्लरी एंड नाउ यू आर गोना ईट इट गो इज इट गुड ओह माय गॉडनेस ओके फाइन आई एम गोना ट्राई इट टेल दैट इज बूसन मैं दोनों भी खत्म करूंगा वो भी एक साथ मेरे को कोई डर नहीं है And let's go. Wow! गाइस इसका पूरा डिप हो गया ये तो अभी लेट्स ट्राई इट इट्स फाइन How is it tasting? Amazing. So good. No. Aftertaste itna ganda hai. It's not bad. I like this. Ji acha laga. French fries with McFlurry. French fries with McFlurry. 10 out of 10. सबसे best dish. मेरे को तो बहुत पसंद आई है ऐसे और चीज बनाऊं क्योंकि हम जैसे बच्चे हैं ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं फूड आइटम्स के साथ और ये बहुत अच्छा लगता है अच्छी गुड एंडिंग थी आई लाइक सो दिस वाज द एंड ऑफ आवर वीडियो तो गाइस अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग और वियर्ड फूड टेस्टिंग देखनी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बटन्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय वैसे भी बहुत वीडियो है कनेक्ट है रिमूव है बहुत है तो देख लो जाओ बाय बाय